हाय मित्रों नमस्कार, स्पोकन इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। चौथा पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट फोर आपका वॉइस में एक्टिव पैसिव में, जिसमें आज हम लेट को लेकर के कुछ बताएंगे, कुछ सेंटेंस आपको बताएंगे जो समझ में आएगा आपके। तो देखते हैं कि लेट क्या है। लेट जो है वो करने देने के अर्थ में आता है, कुछ काम करने देने के लिए लेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेट मी डू, मुझे करने दो। Let me teach, मुझे पढ़ाने दो। Let him come, उसे आने दो। Let the children play, बच्चों को खेलने दो। तो करने देने के लिए let का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है कि मुझे let me do, मुझे करने दो। Let me teach, मुझे पढ़ाने दो। Let him come, उसे आने दो। Let the children play, बच्चों को खेलने दो। तो let करने देने के लिए होता है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव और पैसिव में। Let उस और प्लस ऑब्जेक्टिव केस होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा या ऑब्जेक्ट होगा, प्लस वी वन होगा। उसके बाद जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है वो आ जाएगा। मान लो यहाँ अदर वर्ड आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। और लेट ऑब्जेक्ट और वी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव केस से जोड़ते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर या जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसकी बाई वी से जोड़ते हैं, और ऑब्जेक्ट होगा तो उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको बाई से जोड़ते हैं, इतना ध्यान रखना, कोई नाउन होगा तो बाई से जोड़ते हैं। तो वर्ड लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं हम, लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क, तो यहाँ पर जो मी है ऑब्जेक्टिव केस है, डू मेन वर्ब है, और दिस जो है वो यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो लेट जो है वो रहने ही देते हैं, लेट को इधर उधर कुछ नहीं कर देते, करने देने के अर्थ में होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके बगल कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट तुरंत उसके बगल करेंगे लेट के। लेट दिस वर्क भी अपनी तरफ से ले आएंगे, और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में होती है। तो यहां का जो मी है यहां बाई मी से होगा, आई नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करने दो। तो लेट दिस वर्क बी डन बाई मी हो जाएगा। तो लेट जो है ये रहेगा ही, तो दिस वर्क की तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, और बी अपनी तरफ से ले आएंगे, और डन जो है वर्क की थर्ड फॉर्म होती ही है, तो यहाँ पर डू का डन हो जाएगा, और बाई मी जो मी है और बाई मी से जुड़ जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो बाई से जुड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसको जो है गाना गाने दो। लेट हर कोई लड़की है, कोई औरत है, महिला है, उसको गाना गाने दो। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, कोई एक गाना गाने दो। सिंग ए सॉन्ग, गाना गाने दो। तो यहाँ पर जो है मेन वर्ब के रूप में सिंग है, और ए सॉन्ग यहाँ का ऑब्जेक्ट है। हर जो है ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है प्रोनाउन का होता है, तो प्रोनाउन है यहाँ पर सी का हर हुआ है। तो लेट हर सिंग ए सॉन्ग अर्थात उसे गाना गाने दो, तो उसे गाना गाने दो। तो सिंग यहाँ का मेन वर्ब है, और ए सॉन्ग यहाँ का ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो बनता है क्या, लेट ए सॉन्ग, यहाँ का ऑब्जेक्ट तुरंत बगल हो जाएगा, बी जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, और संग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है। सिंग सैंग संग होता है, बाई हर से जोड़ रहे हैं, देखो बाई हर हो जा रहा है, यहाँ का हर बाई हर हो जा रहा है, यहाँ पर सी नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो लेट